दोस्तों, देश का विभाजन या पार्टीशन 1947 का अपने आप में एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लियोनार्ड मोसले एक ब्रिटेन जर्नलिस्ट थे, बायोग्राफर थे, हिस्टोरियन थे। उनका एक मशहूर कोट है, वो कहते हैं कि इंडिया इन 1947 वाज अ बम्पर ईयर फॉर वल्चर्स, गिद, दे हैड नो नीड टू लुक फॉर रॉटिंग फ्लैश फॉर इट वॉज ऑल अराउंड देम एनिमल एंड ह्यूमन, 6 लाख डेड, 1 crore 40 lakh driven from their homes, 1 lakh young girls kidnapped by both sides, forcibly converted or sold on the auction block. तो ये इस स्केल की ट्रेजेडी विभाजन की वजह से लोगों ने देखी, लोगों ने जी, लोगों ने झेली। और इन पंजाब दे से इट वॉज नॉट द पार्टीशन ऑफ इंडिया बट द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, एंड इन पंजाब द पार्टीशन ऑफ माझा, द रीजन वेयर द सिख फेथ ग्रू। एक हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देश के देखें तो एक जो कॉमन हेरिटेज थी वो विभाजन की वजह से लॉस्ट हेरिटेज में तब्दील हो गई। तो सिर्फ माल जान का नुकसान ही नहीं बल्कि हेरिटेज का नुकसान पार्टीशन की वजह से एक नाकाबिले तलाफी नुकसान था जिसको